सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यमी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है स्पेनिश मोमो। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी, यमी एंड स्पाइसी लगती है और इसका जो कलर है वो भी देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और ये अगर आप चाहें तो स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक्सपेरिमेंटल फूडीज को सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए उस बेल आइकन को ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पेनिश मोमो बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, उसमें है पत्ता गोभी, गाजर, प्याज एंड अदरक। और यहाँ पे सबसे पहले मैं कैबेज को ले लूँगी एक मिक्सर में, मतलब एक मिक्सर जार में। और फिर साथ में जाएगा प्याज यानी कि अनियन। और फिर अनियंस डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे गाजर यानी कि कैरेट। और फिर साथ ही में हम इसमें डालेंगे कुछ लहसुन के कलियाँ। और फिर हमें इस क्या करना है, इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। एंड अब हम क्या करेंगे कि इसका सेंटर पार्ट को रिमूव कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि इसे हल्के हाथों से प्रेस करके इसका जो मॉइस्चर है, मतलब ये जूसी फ्रूट होते हैं ना, तो इसमें वाटर होती है, तो हम उसके वाटर्स को निकाल लेंगे। तो हमें पूरा वाटर नहीं निकालना है, पूरा मॉइस्चर नहीं निकालना है हमें इसका, थोड़ा सा ही निकालना है क्योंकि अगर सारा मॉइस्चर हम निकाल लेंगे तो फिर ये ड्राई हो जाएंगे बिल्कुल और फिर मोमो भी हमारी अच्छी नहीं बन पाएगी। और फिर जो हमने इसका मॉइस्चर, मतलब जो वाटर निकाला था, वो भी हम क्या करेंगे साइड में रख लेंगे क्योंकि इसकी भी यूज़ आएगी। सो ये हमारे सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं। और फिर हम क्या करेंगे, एक बाउल में सारे मिक्सचर को ले लेंगे वेजिटेबल्स का। और फिर उसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता, फिर गोल मिर्च पाउडर, फिर नमक। और फिर इसे बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे हम सारा वेजिटेबल्स और फिर सारे स्पाइसेस को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। और फिर हमें इन वेजिटेबल्स के मॉइस्चर को उतना ही सेपरेट करना है जितने में अगर हम उसे कहीं भी रखें तो एक्युमुलेट हो जाए एक जगह पर। और नेक्स्ट चीज़ जो हमें लेनी है वो है ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। और फिर हमें क्या करना है कि उसमें ऐड कर लेना है सॉल्ट यानी कि नमक। और फिर उसे मिक्स करके उसका बिल्कुल बढ़िया डो रेडी कर लेना है। हमें इसका सॉफ्ट डो रेडी करना है, जस्ट लाइक रोटी, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना चपातीज़, बिल्कुल उसी की तरह हमें इसका डो रेडी करना है। ये ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ स्पेनिश मोमो के लिए डो रेडी कर रहे हैं तो हम इसकी बिल्कुल चपाती जैसी डो रेडी करेंगे, नहीं, हम सारे मोमोज़ के लिए, अगर नॉर्मल मोमो बना रहे हैं तो उसके लिए भी हम बिल्कुल चपाती जैसी ही डो रेडी करेंगे। सो ये हमारा आटा रेडी हो गया है। एंड अब हमें क्या करना है कि इसकी लोई काट लेनी है। हम इसके छोटे छोटे बॉल्स, पूरी से भी छोटे साइज़ के बॉल्स हम इसके ले लेंगे और फिर सर्कुलर सर्कुलर सा कर लेंगे इसे सर्कुलर शेप में, ताकि जब हम इसे बेलें तो बिल्कुल अच्छे से बेला जाए और फिर प्रॉब्लम भी कुछ ना हो इसे बेलने में। सो ये देखिए मेरी सारी लोई रेडी हो चुकी हैं। और अब मैं क्या करूँगी, एक लोई लूँगी और उसे हल्का सर्कुलर शेप में ले लूँगी और फिर उसे बेलन की हेल्प से, मतलब रोलिंग पिन के हेल्प से इसे सर्कुलर शेप दे दूँगी। हमें सर्कुलर शेप ही देना और कोई शेप नहीं देना है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। और फिर जो हमने स्टफिंग रेडी करा था ना, वो भी इसमें हम फिल कर लेंगे। और फिर जो इसका प्लेटफॉर्म है, मतलब मोमो वाला जो प्लेटफॉर्म हमने रेडी किया है, उसकी जो साइड साइड के एजेस हैं उसमें हम बिल्कुल इस तरह से फोल्ड्स दे देंगे। और फिर हमें छोटे छोटे फोल्ड्स देने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े फोल्ड्स नहीं देने हैं। और हल्का सा हाथ से प्रेस करते फोल्ड देना है ताकि ये खुल ना जाए, बिल्कुल इस तरह से। और फिर जब हमारे सारे फोल्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हल्का सा नेक टाइप का वहाँ पर इंक्लाइनेशन टाइप का बन जाता है, तो हम वहाँ पर हल्का सा प्रेस कर देंगे। सो ये हमारी फर्स्ट मोमो रेडी हो गई। एंड बाकी सारे के साथ भी हम बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे। एक लेंगे लोई, फिर उसका सर्कुलर शेप में बेल लेंगे, फिर उसमें फोल्ड्स लगाएंगे हम बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट वाले में फोल्ड्स लगाया था, छोटे छोटे फोल्ड्स हम लगाएंगे। और फिर क्या करेंगे कि कंप्लीट होने के बाद नेक में प्रेस कर देंगे ताकि वो जो है हमारा मोमो वो खुले ना, जो स्टफिंग है वो अंदर ही बंद करके रह जाए। सो ये हमारे सेकेंड मोमो भी रेडी हो गई है, आप देखिए। और अब मेरी जो मोमोज हैं वो, और अब हमें क्या करनी है कि कढ़ाई लेनी है, उसमें लेना है वेजिटेबल ऑयल। और फिर हम क्या करेंगे कि अपने मोमोज को इसमें फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इसे हम उतना ही फ्राई करेंगे जितना कि बाज़ार वाला हमें फ्राइड मोमोज देते हैं ना, बस वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप फ्राई होता है, हम इसे थोड़ा कम डीप फ्राई करेंगे। मतलब कि डीप फ्राई करना नहीं है, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसके सरफेस में हमें फ्राई करना है। सो ये देखिए हमारी जो मोमोज है वो फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो गई है। एंड नाउ हम क्या करेंगे कि इसे सेपरेट आउट कर लेंगे, मतलब कि ऑयल को हम अलग करेंगे और फिर अपने मोमोज को अलग, सारे मोमोज को बिल्कुल अच्छे से तेल से सेपरेट आउट कर लेंगे।
सो ये देखिए मैंने सारे मोमोज को तेल से सेपरेट आउट कर लिया है। और अब क्या करना है, कढ़ाई लेनी है, उसमें लेना है वेजिटेबल ऑयल, फिर कुछ कटे हुए गार्लिक डालेंगे, फिर जिंजर और फिर ये कैप्सिकम, और फिर इसे थोड़ा सा भून लेंगे। मतलब बिल्कुल हल्का सा हमें भूनना है, बिल्कुल हल्का सा, इसमें कोई भी ज़्यादा लाइट ब्राउन कलर नहीं आना चाहिए। और फिर नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे चिलीज़, फिर जाएगी ये गोल मिर्च पाउडर, और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड नेक्स्ट नमक यानी कि सॉल्ट, फिर ये भी मिक्स हो जाएगा। और फिर ये जाएगा चाट मसाला, और फिर हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, यानी कि डार्क सोया सॉस हम इसमें डाल देंगे। फिर ये गई एग रोल की स्टफिंग, मतलब जो एग रोल की स्टफिंग होती है ना, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और अब ये जाएगा मोमो का सॉस, मतलब कि जो मोमो वाला सॉस होता है ना, या फिर आप इसके जगह पे सेजवान सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जाएगी इसमें टोमेटो केचप, और ये कॉर्न स्टार्च का मिक्सचर पानी के साथ, मतलब ये कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर होता है ना पानी के साथ, कॉर्नफ्लोर को मैंने मिक्स कर लिया पानी के साथ, वही हम इसमें डाल देंगे। और फिर इसमें डालेंगे पानी, और फिर इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसका ग्रेवी रेडी कर लेंगे पानी के साथ मिक्स करके। एंड ये देखिए ग्रेवी रेडी हो गया। और अब क्या करेंगे हम कि हमारे जो मोमोज हमने जो रेडी करे थे फ्राई करके, वो मोमोज हम उसमें डाल लेंगे, और फिर इसे बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे हम, बिल्कुल इस तरह से चलाते हुए हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और फिर अब हमें क्या करना है कि इस स्टेज पे जो हमने मॉइस्चर निकाला था ना स्टफिंग वाला, वो हमें डाल देना है। मैंने गलती से उसे कैमरे के बाहर ही डाल दिया था, तो आप इसमें ये डाल दीजिएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे कोरिएंडर लीव्स, और फिर जो हमारी स्पेनिश मोमो हैं वो बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। लेट्स टेक आउट आवर मोमोज इन अ ट्रे, हम एक ट्रे में मोमोज को ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे इस पे कि कुछ कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे, मतलब कि कुछ धनिया के पत्ते हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिए अब हमारा स्पेनिश मोमो बनकर बिल्कुल रेडी है। देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो ठीक है, अब आप इसे घर पर बनाइए, खाइए, इन्जॉय कीजिए। और हाँ, रिमेंबर वन थिंग कि नथिंग ब्रिंग पीपल टुगेदर लाइक अ गुड फूड, मतलब कि कोई भी दुनिया में ऐसा चीज़ नहीं है जो कि लोगों को एक साथ करता है खाने के अलावा। तो अच्छा खाइए और फिर सबके साथ रहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट में मुझे ये बताइए कि जब आपने ये डिश बनाई तो आपकी ये कैसी बनी, और आपको नेक्स्ट डिश क्या चाहिए। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।